तो ये गन है यूएस बरेटा 9mm पिस्टल, जिसको खरीदने या लेने के लिए आपको किसी भी तरह की लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो कैसी है ये गन, क्या है इसकी डिटेल्स, तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। तो ये गन दिखने में एकदम रियल जैसी है, पर ये रियल नहीं है, ये एक लाइटर गन है। इसे दबाता हूँ और ये देख सकते हो यहाँ पे फ्लेम निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। तो अगर आपने मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि मैं गया था केरला घूम, तो जाने से लेकर आने तक और वहां मैंने क्या क्या किया केरला में, कौन कौन से मंदिर घूमे, वो सारा ब्लॉग में मैंने दिखा रखा है। अगर आप मेरे ब्लॉग में इंटरेस्टेड हो तो ब्लॉग जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, नाम भी आ रहा होगा टू सम ब्लॉग करके, आप सर्च करोगे तो भी आ जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो भाई ज्यादातर इस गन का उपयोग कपिल शर्मा शो या भाभी जी घर पर है कॉमेडी सीरियल अप्पू सिंह के पास देखा गया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई चोरी डकैती डराने या धमकाने जैसे वारदात को अंजाम देने की सोच रहा है, तो मैं बता दूं कि पुलिस का डंडा और जेल आपको बहुत ज्यादा दर्द दे सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास दो तरह की गन है, इन दोनों गन का वेट अलग है, और इसमें क्या डिफरेंस, अगर आप इस गन के बारे में जानना चाहते हो जो कि फुल्ली मेटल है और करीबन ये 450 ग्राम की है, तो इसकी वीडियो भी मैंने बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे देख लेना। तो मुद्दे पर आते हैं, तो ये गन कितनी भारी है इसका मैं वेट करके दिखाता हूं। तो ये देख सकते हो भाई ये 315 ग्राम की है। ये आप इस गन का यूज घर के अंदर शो पीस के लिए भी यूज कर सकते हो, ऐसे घर में कहीं पर इसको ऐसे लगा के रख सकते हो जो कि देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो ज्यादातर इस गन को कोई लाइटर की तरह यूज नहीं करता, अगर आप शॉर्ट मूवीज शूट करते हो यूट्यूब के लिए या किसी और प्लेटफॉर्म के लिए, तो ये गन आप उसमें यूज कर सकते हो, देखने में बहुत रियल लगती है। अगर बात करें इसके बिल्ड की, ये बना किससे है, ये जो इसकी पाइप है पतले टीन का यूज हुआ है, मतलब है तो ये मेटल एक तरीके से, बस पतला है, कोई भारी नहीं है, पूरा मेटल नहीं है, और ये भी प्लास्टिक है। राउंड टू हेल, हर्ष बेनीवाल, आशीष चंचलानी, राउंड टू वर्ल्ड, ये जो बनाने के लिए ऐसी चीजों का यूज करते हैं मैंने भी देखा है। तो अभी हाल ही में भाई खबर आई थी कि किसी ने इस गन का यूज करके बैंक लूटने की कोशिश करी है और उसको पुलिस ने जेल में डाल दिया है। तो भाई इसीलिए कह रहा हूँ सावधान रहें और सावधान रखें। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये गन मिलेगी कहाँ से, तो भाई ये गन मैंने अमेजोन से ली है। तो इसका प्राइस जो है ये 1680 का पड़ा है मुझे, ये कम भी हो सकता है, पर अगर कुछ लोग सोच रहे हो कि फ्लिपकार्ट पे जाकर आप इस गन को परचेज कर लोगे सस्ते में, तो भाई मैं इसी चक्कर में दो बार धोखा खा चुका हूँ। फ्लिपकार्ट पे ऐसे बहुत सारे फ्रॉड सेलर बैठे हुए हैं, सेम ऐसे ही इमेज के अंदर यही गन, क्योंकि मैं इस गन के बारे में जानता था, सेम एकदम इसी तरह गन उन्होंने इमेज में लगा रखी है और लिखा भी है बरेटा की 9mm और उसके बाद साइज वाइज सब दिया हुआ है और उन्होंने डाल रखा है। और कितने में भाई, 800 रुपये में, किसी ने 1000 रुपये में, 900 रुपये में, 700 रुपये में, ऐसे करके डाला हुआ है। और जब मैंने उसे ऑर्डर करा, ये एक बार नहीं हुआ मेरे साथ, दो बार फ्लिपकार्ट पे लगातार हुआ जब मैंने ऑर्डर करा ना, तो कौन सी गन आई, तो ये वीडियो जरा आप देखो, देख सकते हो भाई ये वही, फिर से वही छोटा वाला, छोटा साइज का निकला हुआ है, और वहां पर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि बिग साइज, ये बिग साइज है भाई, ये बिग साइज होता है, ये बिग साइज है। मेरे पास ये दूसरा है, इसका साइज देखो और इसका साइज देखो, ये बिग साइज है कोई। उस गन के अंदर और इस गन के अंदर बहुत फर्क है भाई, वो बहुत छोटी गन है, इस गन का साइज देख लो भाई, इसका और इसका साइज देख लो कितना बड़ा है, ये काफी बिग साइज की गन है। और जब मैं इसे हाथ में पकड़ता हूँ इस वाले को, तो वैसे ये दिखने में बड़ी लगती है और उससे भी ज्यादा बड़ी ये है, और जो मुझे डिलीवर हुई थी वो एकदम छोटी सी पिद्दू थी, वो एकदम दिखने में अच्छी नहीं लगती, बेकार है। मैं लिंक दे देता हूँ अपना डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट अमेजोन पे जाएं और इसको ऑर्डर करें अगर आपको चाहिए तो। तो भाई प्राइस कम या ज्यादा हो सकता है, ये मैं पहले कह रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।